चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लकी, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग राणा जी। तो यार कल हम आ गए थे श्रीनगर, दिन के 3 बजे हम निकले थे लुधियाना से और रात के 12 बजे पहुंचे थे। और हमारे साथ हैं हमारे पाजी, हमारे अनिल पाजी जो कि इस समय ड्राइव कर रहे हैं। और यार हम मतलब काफ़ी थक गए थे कल, तो मतलब पूरे रास्ते में मतलब हमारा मन नहीं किया था कहीं पर कोई शूट करने का, क्या देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी हम श्रीनगर में थे, तो अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर से कहाँ, खिरसू जा रहे हैं घूमने। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी डेस्टिनेशन है श्रीनगर, गढ़वाल से ऊपर थोड़ा 30 किलोमीटर ऊपर है और काफ़ी मज़ा आएगा, लोग काफ़ी आ जा रहे हैं वहाँ से। और आज हम सोच रहे हैं कि आज वहीं पे स्टे करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। आने को हम वापस आ सकते हैं श्रीनगर, लेकिन मन नहीं है। एक दिन हम श्रीनगर में खिरसू में मज़े करना चाहते हैं। तो अभी हम आपको रास्ते के कुछ सुंदर सुंदर वादियों के नज़ारे दिखाएंगे, तो इन्जॉय करिएगा दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा मैं। चल चूटा एक गांव है यहाँ पे, और वो मतलब एकदम पहाड़ के मतलब ऐसे एकदम बिल्कुल क्या बताएं यार, एकदम स्ट्रेट लाइन में है सारे घर, पीछे आके जैसे ट्राइंगल सा हो जाता है एक गाँव। मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे सामने, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा नज़ारा है, काफ़ी बढ़िया है। भैया ने गाड़ी रोक दी देखने के लिए, भैया एक्साइटेड हो गए थे। हैं भैया कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है ना नीचे, है ना। ये देखिए गाइस नीचे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन पर वहाँ पर वो चट्टान पर जाके ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर नदी भी नहीं है वैसे कोई, नीचे खेत है, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत है नीचे। और सामने वो मतलब सीधा देखिए आप, सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है। और सारे घर देखिए, पुराने जो गढ़वाल में जो पुराने घर होते थे पहले के ज़माने में, सभी वही घर हैं ज़्यादातर। कुछ एक हैं जो नए नए हैं, जो उनका फेस उधर को है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हमें ज़्यादातर। और हमारे नीचे एक मंदिर भी है जो कि ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार यहाँ। तो यार यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा, भैया ठंडा बताओ कैसा लग रहा है आपको। बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं तो चाय पी रहा हूँ और मेरे हाथ कांप रहे हैं ठंड से। चल चूटा देसी मोमो। तो दोस्तों ये हैं यहाँ के देसी मोमोज, दिखने में तो टेस्टी लग रहे हैं, भैया खा के बताएंगे कैसे हैं। भाई मैं तो लाइक नहीं करता मोमो। नहीं करते आप पसंद? अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो खा लेता हूँ। भैया आप कांप रहे हो ठंड से हैं। बहुत ठंडा है यार, सही में जैकेट डाले हुए लेकिन मैंने टी शर्ट डाला हुआ है। आपने टी शर्ट, मेरे को शर्ट में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यार यहाँ पे। अप्रैल का महीना है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंडा, मतलब ठंडे वाला ठंडा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यार यही है खिरसू। हाँ हाँ क्या धूप लगी दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, मतलब सीरियसली अप्रैल का महीना है, नीचे शहरों में इतनी गर्मी हो गई है। और अनिल भैया का दिल था आज यहाँ पे रुकने का, लेकिन हम जैकेट स्वेटर कुछ नहीं लाए, और भैया का मतलब मन कर रहा वापस चले सीधा श्रीनगर। बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा है, हद से ज़्यादा ठंडा है ना। क्यों देखो, मैंने स्वेटर डाली हुई दोस्तों, यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना सबने स्वेटर जैकेट वगैरह पहन रखे हैं, और हम मतलब ऐसे टी शर्ट्स में शर्ट पहन के आ गए, और ठंडे से हालत ख़राब हो रही है यार हमारी। और भैया का तो प्लान चेंज हो गया, भैया कह रहे कि नहीं भाई हम जाएंगे कहाँ, सीधा श्रीनगर, श्रीनगर जाके रुकेंगे। तो यहाँ पे एक पार्क भी है जहाँ जाने का मन तो बहुत है, लेकिन भैया कह रहे कि मेरे हालत अभी रुकने की नहीं है यहाँ पे, तो हम नहीं जाएंगे, हम बुआ खाल होते हुए जाएंगे यार। एक्चुअली बारिश हो गई ना तो रोड थोड़ा सा गंदा सा हो गया, तो यहाँ देखो ये सामने है, ये देखो चले चलो फिर आगे। अच्छा सामने डांसिंग बर्ड, थोड़ा दूर है यार वो। हाँ चलो भैया चलते हैं। ये है दिख रहा है ब्लैक, लेकिन है होता भी ये ब्लू है। जो ये खिरसू का जो पार्क है ये है तो जंगल जैसे दिख रहा है सेम। क्यों भैया मेरे हाथ कांप रहे हैं यार, ठंडा है यार यहाँ पे, पूरी है भागो यहाँ से। भाई साहब नहीं रुक रहे यार हम यहाँ, अगर जैकेट वगैरह भी होते ना तो सोचते क्यों, पर अब नहीं, सिर्फ थोड़ा सा घूमेंगे यहाँ पे। एकदम से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, पहले हम गर्म गर्म में थे, फिर ठंड में आ गए। आपने सोचा नहीं होगा यहाँ ठंडा होगा। ओहो